स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 3 पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी। तो जो तीन आपको नीचे ट्राइंगल्स गिवन है ये आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स। तो साइड्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, यानी कि साइड्स को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड वेरीफाई देयर कॉन्गुरेंसी, और इनकी कॉन्गुरेंसी को वेरीफाई करना है। कॉन्गुरेंसी मीन्स कि तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मैच करने चाहिए। डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल। तो आपने ये भी बताना है क्या ये ट्राइंगल के अंदर मैच कर रहे हैं या ट्राइंगल के बाहर। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेयरमेंट्स मैंने एक पेज पे लिख ली हैं। अब सबसे पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद राइट बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उनकी कॉन्गुरेंसी को वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम देख लेते हैं, मेयरमेंट हमारे पास गिवन है 5.3 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 5.3 सेंटीमीटर मेयरमेंट ड्रा कर लेते हैं। पेज के बिल्कुल सेंटर में लाइन लगा रही हूँ 5.3 सेंटीमीटर। तो ज़ीरो से स्टार्ट करके आपने 5.3 यहाँ पर मैच किया दोनों डॉट्स को। पॉइंट्स को नेम दे देंगे जो आपकी बुक में हैं जी। तो क्या पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, एंड मेयरमेंट इज़ 5.3 सेंटीमीटर। आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ए पे आपने 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और बी पे 30 का। पता है 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्केल से आप 1.2 या 1 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करें, पॉइंट ए से रख के हाफ सर्कल ड्रा करें। इस तरह से हाफ सर्कल ड्रा किया, उसके बाद हाफ सर्कल ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से रख के आर्क लगाएंगे, नेक्स्ट इस पॉइंट से रख के आर्क और इन दोनों आर्क के साथ ऊपर आर्क लगा देंगे एंड इनको मैच करेंगे जी। तो ये मैच हो गई डॉटेड लाइंस के साथ, हमने इसे मैच कर दिया और 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 45 का एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और अगर आपने 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और अभी आपको आई बटन पर भी शो हो रहा होगा तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से रख के आर्क लगाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, और 90 और हाफ सर्कल का जो पॉइंट आया है जिससे रख के आपने पॉइंट ये आर्क लगा देनी है। उसके बाद इन आर्क्स को पॉइंट ए से मैच करें, इस तरह से मैच करने के बाद लाइन लगा दें। और अब इसके अंदर हम लिख देंगे जी ये 45 एंगल था। पॉइंट बी पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री। अगेन आपने हाफ सर्कल ड्रा करना है, आपने हाफ सर्कल ड्रा किया। उसके बाद अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ ये वाला होगा क्योंकि हमारे पास हाफ सर्कल और लाइन जिस पॉइंट पे मैच कर रहे हैं, तो वहाँ से मार्क लगाएंगे जैसे हमने यहाँ से लगाई थी। ये नहीं करना कि यहाँ पे इधर से लगाई थी तो उधर भी उधर से जाकर लगा दें, इधर से आपने आर्क लगानी है। और आपको पता है कि 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो 30 60 का हाफ होता है, तो जस्ट हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो ये 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया हमारे पास। इसको हम डॉटेड करेंगे क्योंकि इस एंगल को हम यूज़ कर रहे हैं, और इधर से आपने 60 की आर्क से इधर एक आर्क लगानी है और स्टार्टिंग पॉइंट से जी। तो ये हमारा 30 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। लाइंस मैच करें इस तरह से और इसको मैच कर दें, डन। इसके बाद अब देखें यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स बन गए, ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे साइड्स का। तो आपको पता है साइड का परपेंडिकुलर सेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, आपके पास कोई भी साइड ले लें, ए बी ले लें, बी सी ले लें या ए सी ले लें, क्योंकि काम हमने तीनों साइड्स पे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, मैं ए बी साइड ले लेती हूँ। अब ए बी साइड में आपने, यानी कि इसको आपने बाइसेक्ट करना है, मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, आपने यहाँ से अब इस लाइन को मेजर करना है, तो आप इस लाइन को हाफ से ज़्यादा मेजर करेंगे। अब आप फील कर रहे हैं मैंने जो अपनी कंपास ओपन किया है वो यहाँ से कम है और इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा है और ये इसका डिस्टेंस कम है। तो आपने इतनी कंपास ओपन कर लेनी है, मींस जो साइड आप जिस साइड का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे उसको आप हाफ से ज़्यादा ओपन कर देंगे। उसके बाद आपने पॉइंट बी से रख के एक नीचे आर्क लगानी है और एक आपने ऊपर लगानी है। ए से आर्क्स लगाएंगे,
पॉइंट ए से आपने आर्क लगानी है ऊपर भी। सॉरी मेरी कंपस हिल गई है, तो कंपस दोबारा से मैं ये कर लेते हैं। अब देखें मैंने आर्क कहाँ से लगाई थी, तो पॉइंट ए से रख के आर्क लगाएंगे यहाँ पर और नीचे भी, ठीक है। अब आपने दोनों आर्क्स के साथ जो पॉइंट आया उसको मैच कर देंगे। तो मेरा ये जो ये पॉइंट है ना, ये वाला न्यू पॉइंट है क्योंकि वो मेरी कंपस हिल गई थी, यहाँ से ये और इसके ऊपर आपने फुल लाइन लगा देनी है। ये तो हमने एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया है। मीन्स अब ये जो इतना पार्ट आया है ये इसका देखें, इतना पार्ट और ये पार्ट हाफ हाफ है दोनों, आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अब पॉइंट बी से हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, तो अगेन अब आपने पॉइंट बी सी की साइड लेनी है और हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। देखें ये कंपास पहले की ओपन थी, इस साइड का हाफ से ज़्यादा ओपन किया था। आपने जब इसका करना है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर लें। बी सी का हमने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। अब एक आर्क हम बी से नीचे लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे। इसी तरह अब पॉइंट सी से एक आर्क हमने इस तरह से नीचे लगानी है और एक आर्क हमने ऊपर लगानी है। आर्क्स मैच नहीं किए तो दोबारा से इसके पास पास आर्क्स लगा लें ताकि ये मैच कर जाए। हो गया, ये देखें, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको आर्क्स को आपने मैच कर देना है जी। तो ये आर्क्स को मैच करेंगे, हो गया। जब आप ये आर्क्स को मैच कर देंगे तो आपने इसकी जो साइड बी सी है उसको भी बाइसेक्ट कर चुके हैं, यानी कि ये थी बी सी साइड। अब आप इसकी इतनी साइड देखें और इसका ये वाला पार्ट देखें तो दोनों पार्ट्स टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो गए हैं। अब जस्ट हमारे पास ए सी साइड रह गई है तो इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अब क्या किया, ए सी साइड भी आपने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है, मैंने कर लिया। अब सी से रख के एक आर्क ऊपर लगाएं, ये एंगल के पास आ जाएगी, और एक आर्क नीचे लगाएं यहाँ पर। अब इसी तरह पॉइंट ए से रख के एक आर्क लगाएं और इधर से भी इसके पास आर्क लगाएं। ये दोनों आर्क्स को आप ऐसे मैच कर दें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैच हो रही है इसके पास पास इसको, और ये वाली जो अब आर्क आई है उनको आपने मैच कर देना। ये देखें ये वाली जो नेक्स्ट आर्क है, तो ये वाली, ये देखें ये वाली दो आर्क्स अभी हमने ड्रा की हैं और इससे हमने ये वाली आर्क ड्रा की है। ये तो एंगल 90 की आर्क थी, आपने इन दोनों आर्क्स को मैच करना है, इन दोनों आर्क्स को आपने मैच करना है। और ये हमारी आर्क आ गई, ये वाली थी और ये पॉइंट था, को मैच करें। तो ये मैच कर दिया और उसके बाद अब देखते हैं कि तीनों जो बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट पे मैच किए हैं या नहीं। देखें इसका ये फर्स्ट बाइसेक्टर था, उसके बाद सेकंड, उसके बाद ये थर्ड। तो ये देखें तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। इसको ओ का नेम दे दें। लास्ट पे जो लाइन आपने लिखनी है वो देख लें, तो क्योंकि ये तीनों जो आपके बाइसेक्टर्स थे वो ट्राइंगल के बाहर मैच कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखना है, ओ इज़ दी पॉइंट ऑफ कॉन्गुरेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्गुरेंसी थ्री परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ sides meet each other at outside the triangle जी। तो ये हमारा question complete होता है, इसके बाकी parts भी बिल्कुल same है, आप खुद कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। और अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उस पर आंसर दे दूँगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।